भाई है ना? रोकस है। रोकस देखिए कहाँ गया था? पील। पील क्या करने? मामा प्लेंडिंग नहीं गया। प्लेंडिंग नहीं गया था? अब पंजीता भी ना ना प्यारा है। भाई का नाम दिखा ना, और भाई का नाम क्या बताया था? रोकस। देखो तो कैमरा को लेगा बोलते हैं। थोड़ा बाद में यहाँ में बड़ा हुआ हेलीकॉप्टर आने वाला है, आप देखिएगा ना। और जितना पब्लिक देख रहा है, आप सभी को मैं बता दूँ, दोबिन विलेज पे यहाँ पे गाड़ी पहुँच चुका है बहुत अच्छी तरह से। आप यहाँ पे आता है तो आपको सीधा बस्ती में गाड़ी पहुँचेगा, आपको रास्ता में पाँव नमाना जरूर नहीं। हेलो पीपल ऑफ दापुर, जो दिस इज मी रेरी तालिन मुंगिया, आप सभी को फिर से मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आप सभी को मैं आज इम्पोर्टेंट बात बता दूँ। आज यहाँ पे हेलीकॉप्टर टेस्ट लैंडिंग होने वाला है, तो चलिए हम सब मिलके आज यहाँ पे टेस्ट लैंडिंग होने वाला है, साथ में मिलके हम इंजॉय करता है और देखता है यहाँ पे आज का डेवलपमेंट और डेवलपमेंट का एक्टिविटी यहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिले, और यहाँ पे कितने डेवलप हुआ है और कितने डेवलप नहीं पहुँचा है, ये चीज़ के बारे में भी जानते हैं। तो चलिए वीडियो को लेते करते हुए स्टार्ट करता है। सबसे पहले आपको मैं बस्ती का बारे में मैं ड्रोन शॉट ऊपर से मैं दिखाना चाहूँगा, तो चलिए क्यों ना हम सब मिलके अभी ड्रोन शॉट का इंजॉय करता है। लेट्स गो। हर जीव रे ग जीवनी केलु गोगन आबू आपा पम तब दोग जीवनी नित गम गी गुरुनी चल गदा की गुरुनी पेरु गरे गन आबू आपा हर जीव रे ग तो गाइस, आपको ड्रोन शॉट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अभी हेलीकॉप्टर लैंड होने वाला है, सुनने में है दापो में लैंड करने वहाँ से निकल चुका है। अभी हम वापस ग्राउंड में जा रहे हैं। हेलो भाई, अरे कहाँ जा रहा है? घर। घर? ओ अब बच्चा बुक है ना, तो यहाँ हो तो भैया देखिए ऊपर में हो तो। आपका भाई का नाम है? वो भाई है ना? रोकस है। रोकस देखिए कहाँ गया था? पील। पील क्या करने? मामा प्लेंडिंग नहीं गया। प्लेंडिंग नहीं गया था? अब पंजीता भी ना ना प्यारा है। भाई का नाम दिखा ना, और भाई का नाम क्या बताया था? रोकस। देखो तो कैमरा को लेगा बोलते हैं। थोड़ा बाद में यहाँ में बड़ा हुआ हेलीकॉप्टर आने वाला है, आप देखिएगा ना। देख के मतलब मम्मी पापा को आप क्या बोलेगा? प्लेन आया बोलेगा। प्लेन आया बोलेगा ना। आप खुशी है ना दुखी है? प्लेन आ रहा है तो खुशी है, बहुत खुशी है ना। अब तो जो प्लेन को यहाँ में लेके आ रहा है बस्ती में ना, बड़ा भैया जेट पीएम मयम धोबिन सर जो, अब उसको थैंक यू बोलेगा ना, क्या बोलेगा? थैंक यू बोलेगा, बहुत खुशी है ना। आप यहाँ वीडियो में बोले मयम सर जी थैंक यू बोलो। मयम धोबिन थैंक यू। वेरी गुड, होगा जाओ। हाँ टाटा भाई, भाई भाई को मोट गिराओ। हाँ ठीक है भाई। सोराज देख सकते हैं बस्ती बच्चा इतना मोरम है, इलू अभी तक बस्ती में बैठता है, तो उसके कारण से यहाँ पे इलू को प्लेन ये सब प्लेन हेलीकॉप्टर देखने का इतना आइडिया नहीं है, मतलब कि इलू को इतना अवेलेबल नहीं होता, जैसे टाउन में होता है तो तब देखने को मिलना था, इलू बस्ती में रहता है उसके कारण से इलू को हेलीकॉप्टर इतना देखने को नहीं मिलता है। अभी बेचारा बहुत शॉकिंग है कि हेलीकॉप्टर देखने को, और यहाँ से आप देख सकते हैं बैकग्राउंड हुआ में अभी तक हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए वहाँ में हेलीपैड ग्राउंड नीचे में है। अभी बताया गया है वहाँ से अभी ऑलरेडी वहाँ में प्लेन दापुर जो में लैंड हो चुका है, वहाँ से ओलू पेट्रोल ये सब भरवा के फिर से निकलेगा वहाँ से यहाँ पे। तो चलिए तब तक के लिए हम लोग 2-3 मिनट के लिए वेट कर लेता है। या अन हम चे प्युमला रे गजीवनी नु पाबू हम प्युमला दो गजीवनी गम चुग हम गम हा सर्वनी मीरी ग हम गम हा सर्वनी पेरु गरे गन आपू आपा
फाइनली घर भी पहुंच चुका है। सो गाइस, आप सभी को मैं बता दूं, जितना दोबिन विलेज का जितना बासी है, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। और जितना पब्लिक देख रहा है, आप सभी को मैं बता दूं, दोबिन विलेज पे यहाँ पे गाड़ी पहुंच चुका है बहुत अच्छी तरह से। आप यहाँ पे आता है तो आपको सीधा बस्ती में गाड़ी पहुँचेगा, आपको रास्ता में पाँव नमाना जरूर नहीं है। और कुछ भी रास्ता खराब नहीं है, कीचड़ नहीं है, कुछ भी पत्थर का भी आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको रास्ता एकदम क्लीन देखने को मिलेगा। अब बैकग्राउंड में देख लीजिए गाड़ी, तो चलिए गाड़ी आने सॉरी हेलीकॉप्टर आने वाला है तो उसका इंतज़ार करता है। वाह, अभी आएगा गुर के आएगा, गुर के आएगा, कतेगा ससुर आएगा पकड़ेगा, अभी गुर के आएगा। नमस्कार, मैं आज बहुत खुशी हूँ। ये मेरा जन्म भूमि एक प्लेस है, ग्याद नातम ग्यादू एरिया, तो पर्टिकुलर ये लिंगडम विलेज है। आज यहाँ हेलीपैड आया, हमने बहुत खुशी है। और इसका हेलीपैड का आने का कारण जो है हमारा ये यहाँ का लोकल एमएलए और विजनरी लीडर तन्यासो की ने इनिशिएट करके हमारे और यहाँ का जो पंचायत लीडर मायम दोबिन जेट पीएम, वो दोनों का नेतृत्व में यहाँ जो भी है यहाँ एलिफेट आया। हमारा आम यहाँ का जो ग्यादू एरिया नातम ग्यादू एरिया का जनता जो बहुत खुशी है, और वो दोनों को दिल से एकदम थैंक्स दे रहा है सभी का, सभी पब्लिक ने। और ये नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास जो है अच्छे दिन, जो नरेंद्र मोदी का जो है मिशन जो है हमारा ग्यादू नातम ग्यादू एरिया जैसे रिमोट एरिया में इनका अच्छे दिन जो और सबका साथ सबका विकास जो है सचमुच में पहुंच गया, हमको बहुत खुशी है। अभी हेलीपैड फाइनली हम लोग को लैंडिंग करा के सक्सेस करा दिया, तो ये मैंने एक जो है डेवलपमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट का और नरेंद्र मोदी का मिशन, और उसमें हमारा किरण रिजिजू जी जो यूथ एनर्जेटिक और सुपर टैलेंट लीडर जो अरुणाचल से रिप्रजेंट करके जो भी हो उनका थ्रो से अभी यहाँ लिंगडम विलेज में जो हेलीपैड जो लैंड कराया, उनको हम बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और इसके साथ पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर हमारा प्रदेश के, तो उनको भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ हमारा नातम ग्यादू एरिया का ऑन बिहाफ से।
और यहाँ का जितना भी पब्लिक है, पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर और किरण रिजिजू यूनियन मिनिस्टर को, हमारा यहाँ का जितना लोग है 5 तारीख को का दिन को सभी इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो दोनों का चेहरा को देखना और वो दोनों का वॉइस को सुनने के लिए। और नातम ग्यादू एरिया जैसे में वो अरुणाचल का टॉप लीडर चीफ मिनिस्टर जैसे पेमा खांडू जैसे आदमी और इंडिया का यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जैसे आदमी हमारा जैसे एरिया में उन दोनों ने आ दे रहा है, वो दोनों को सभी पब्लिक ने इंतजार कर रहा है। और इसके साथ हमारे यहाँ का जो है लोकल MLA 24 कंचीसी ये ऑनरेबल MLA तन्यासोकी जी, उनका नेतृत्व में उनका जो लीडरशिप का अंदर में आज तक में जो हमारे दुलम साहब का बात, मेरा नातम ग्यादू एरिया को कोई भी लीडर 24 कंचीसी में MLA आ चुका है, बहुत सा लोग सारा MLA, तो वो लोग कभी पीछे मुड़ के हम लोग का एरिया को नहीं देखा। तो आज हम खुश है तन्यासोकी ने MLA बन के हमारा नातम ग्यादू एरिया को उन्होंने याद किया दुलम साहब के बात, तो इसलिए उनको भी हम जो है नातम ग्यादू एरिया का पब्लिक का तरफ से बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, उनको बहुत बहुत थैंक्स। और इसके साथ में हमारा यूथ और एनर्जेटिक पंचायत लीडर जो हाईली क्वालिफाइड मायूम दोबिन जैसे जो आदमी जिला परिषद बना है यहाँ, जो उन्होंने भी जो ये हेलीपैड को बनाने के लिए प्रपोजल दिया, तो इसी का तरह से ये हेलीपैड भी बना। तो मायूम दोबिन को भी जला साहब को भी हम नातम ग्यादू एरिया का पब्लिक जो है उनको भी सभी जो है बहुत बहुत माने थैंक्स दे रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ जो ये हेलीपैड को इतना सुंदर से बनाया है, जो इतना सुंदर से फिनिशिंग किया है, वो जो है ईयर तबुरागो और PWD डिपार्टमेंट वर्किंग एजेंसी, उनको PWD डिपार्टमेंट को भी हम बहुत बहुत मतलब यहाँ का नातम ग्यादू एरिया का ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक जो है शुक्रगुजार करता हूँ और थैंक्स देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो गाइस टेस्ट लैंडिंग सक्सेस हो चुका है, तो देख लीजिए हेलीकॉप्टर अभी वापस निकल रहा है यहाँ से, अभी यहाँ से चेकअप कर रहे हैं, देख लीजिए बैकग्राउंड में, ये देख लीजिए। फाइनली निकल गया। ग्राउंड भी प्रेस, फाइनली लैंडिंग सक्सेस हो चुका है। सो गाइस फाइनली टेस्ट लैंडिंग सक्सेस हो चुका है, तो आप सभी देख रहा होगा और स्पेशली इस वीडियो को जो डोबिन विलेज और लिंगडम विलेज का जो देख रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप कितना खुश है। और आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहा होगा आपको, हमें रावगो विलेज देख रहा होगा, उसके बाद आपको वहाँ से आगे थोड़ा देखने को मिलेगा मार्किया विलेज, और आपको इस साइड आके आपको वो आगे एक पहाड़ है, वो पहाड़ का आगे जो देख रहा है उसका वो पहाड़ का जो अंदर में जो रहता है वहाँ में मर्गिंग विलेज, उसका पर यहाँ से बामी बाटे ऐसे करके मर्गिंग विलेज निकलता है, ऐसे करके आपको यहाँ से 3-4 बस्ती देखने को मिलेगा। वो बाहर में आप जो देख रहा है वहाँ में बर्फ़ निकलता है, आप सुबह यहाँ में मॉर्निंग आया तो आपको वहाँ बर्फ़ देखने को मिला था, अभी शाम हो चुका है तो इसलिए अभी इतना देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सुबह का जो डूब वहाँ से लाइट आता है तो वहाँ में चमकता है, उसके कारण से अभी देख रहा होगा अंधेरा हो गया पहाड़ जो। तो आपको वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बता दीजिए, स्पेशली जो वीडियो इस डोबिन विलेज से देख रहा है उसके बाद जो लिंगडम विलेज से देख रहा है, तो आप बार बार बता रहा हूँ तो आपको कितना कुछ लग रहा होगा। और उसके बाद जो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ में रोड कनेक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि अब मैंने दिखाया है यहाँ में डायरेक्ट आपको बस्ती में डायरेक्ट रोड आता है, रोड कनेक्शन कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, यहाँ में आपको एक कीचड़ भी देखने को नहीं मिलेगा।
अब वहाँ से जैसे जैसे घर से निकलता है वैसे ही आपको यहाँ पहुँचेगा प्रेस होके। आपको रास्ता में कहीं में उतरना नहीं पड़ता है। तो आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो तब तक के लिए मिलता है इस टाइप का सेम कंटेंट और सेम लॉग। जय हिंद, वंदे मातरम।